हाँ सभी बीपीएड एमपीएड और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और ये हमारा आज पार्ट थ्री है हाउ टू मार्क ट्रैक का वीडियो। अब इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अभी तक मैंने क्या बताया पिछले जो वीडियोस के अंदर कि भाई ट्रैक कैसे मार्क किया जाता है, उसके बाद ट्रैक की लेंथ कितनी होती है, ट्रैक की हमारी विड्थ कितनी होती है वो मैंने बताया, लेन की चौड़ाई कितनी होती है 1.22 मीटर होती है सब, तो ये सब मैं बताया। अब आगे बात आती है कि अब इसके ऊपर हमें रेसेस करानी है। नंबर वन रेस, नॉर्मल जो रेसेस हैं हमारी 100 मीटर रेस, 100 मीटर जो की रेस जो होती है वो किस पे होती है, वो हमारे होम स्टेट के ऊपर होती है। होम स्टेट किसे कहते हैं, जो स्टेट हमारे स्पेक्टेटर स्टैंड के सामने होता है, वीआईपी स्टैंड के सामने होता है, उस स्टेट को हम होम स्टेट कहते हैं। रीजन क्या है, इस होम स्टेट के ऊपर ये हमारी क्या होती है, फिनिश लाइन होती है। ये हमारी कौन सी लाइन होगी, फिनिश लाइन, हम लिखेंगे ये फिनिश लाइन, फिनिश लाइन होती है ये। फिनिश लाइन कभी चेंज नहीं होती, सब दौड़ों की फिनिश लाइन एक ही होती है, चाहे वो 100 मीटर, 200, 400, 800, 1500, 10,000, 5,000, कोई भी दौड़ होगी उसकी फिनिश लाइन यही होगी। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये फिनिश लाइन पे दौड़ जो फिनिश होती है मेन बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है, क्योंकि जब अगर बाई दे टाई हो रहा हो, दो खिलाड़ी बराबर बराबर दौड़ रहे हो, तो बड़ा निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए क्या होता है कि यहां पर इस लाइन पे फोटो फिनिश कैमरा लगे रहते हैं, जो फोकस करते रहते हैं इस फिनिश लाइन के ऊपर, जो हमारे फिनिशिंग पोस्ट होते हैं उसके ऊपर लगे रहते हैं, क्योंकि इसमें टॉर्सो फिनिश होता है। टॉर्सो फिनिश का मतलब हमारा क्या कहेंगे उसको, थर्ड, मतलब हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को हटा दिया जाए तो थर्ड होता है, वो इसको पार करना चाहिए, तो फोटो फिनिश कैमरे लगे रहते हैं। इसी लाइन को देखते हैं स्टेडियम के ऊपर, छत के ऊपर क्या हॉकआई कैमरे भी लगे रहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर, आपने देखा होगा टीवी के अंदर, यहां पर दौड़ता हुआ एक मोबाइल कैमरा दौड़ता है खिलाड़ी के साथ, वो कैमरा भी इसी को सहायता करता है, जिससे कि हमारा पता पड़ जाए कि अमुम वो खिलाड़ी जो है कितने टाइम में उसने अपनी दौड़ को फिनिश किया। अब बात आती है कि 100 मीटर की रेस, 100 मीटर की रेस होम स्ट्रेट के ऊपर आप देखेंगे उस स्ट्रेट को सीधे आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, सीधे सीधे 100 मीटर की दौड़ सीधी होगी। अब क्या होता है कि जितना ये कर्व के अंदर आ रहा है, ये कर्व देखिए आप, कर्व, इस कर्व के अंदर जो स्ट्रेट लाइन 100 मीटर की जो आ रही है, लेन बन के आ रही है, उसकी जो लाइनें खींची जा रही है वो डॉट डॉट जैबरा लाइन बनती है उसके अंदर, जिससे कि ये जो खिलाड़ी यहां से दौड़ते हुए आ रहा है ये करके, इसको कंफ्यूजन ना हो जाए, वो अपनी लेन में ही दौड़ता चले जाए। तो इसलिए क्या होता है कि डॉट डॉट लाइन बनती है, और आगे देखेंगे डॉट एक्सटेंड कर दी गई लाइन, यहां पर पूरा कितना बैठ रहा है हमारा, 100 मीटर बैठ रहा है। कोई भी दौड़ जहां से स्टार्ट हो रही है उसके 3 मीटर पीछे, इसके 3 मीटर पीछे क्या होता है, यहां पर हमारी क्या बनती है, असेंबली लाइन बनती है, असेंबली लाइन, कि जहां पर खिलाड़ी क्या होता है पहले असेंबल होता है, यहां पहले खिलाड़ी असेंबल होता है, वहां सिटिंग बॉक्स लगे रहते हैं, उसमें बैठता है, उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसका अटेंडेंस लिया जाता है, उसके बाद वो अपने जो स्टार्टिंग ब्लॉक्स उन्होंने, इसने यहाँ पर गाड़ी होते हैं स्टार्टिंग ब्लॉक, वहां पर आता है, फिर स्टार्टर हमारा दौड़ स्टार्ट करता है, यहाँ से वो स्टार्ट लेता है, ठीक है ना। 100 मीटर के अंदर पता ही आपको क्राउच स्टार्ट होती है, क्राउच स्टार्ट 3 प्रकार की होती है, अपना सबसे पहले बुलेट स्टार्ट, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बंच स्टार्ट भी कहते हैं, फिर हमारा क्या होता है, मीडियम स्टार्ट और एलिंगेटेड स्टार्ट। इसको मैं, आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए इसके ऊपर कि ये जो 100 मीटर का स्टार्ट है, यहां पर आप देखेंगे ट्रैक के अंदर ये डॉट 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 लाइन आ रही है यहाँ पर, जो मैंने यहां पर दिखाया, उसके बाद रोड आगे कर दी गई है, इसके अंदर आपको असेंबली लाइन नहीं दिखाई गई है, कहते हैं असेंबली लाइन होती है। आप ये देख सकते हैं ट्रैक 400 मीटर का, आईएएफ का, इंडियन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन द्वारा ट्रैक बनाया गया, पूरा रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से एक एक पैमाना एक मॉडल बना के दिया है उन्होंने, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब बात आती है इसके बाद 100 मीटर दौड़ के बाद आता है हमारा नंबर दो, क्योंकि सबसे स्पीड फास्टेस्ट दौड़ होती है इसके बाद नंबर दो आता है 200 मीटर की दौड़, 200 मीटर रेस। जब 400 मीटर का हमारा ये पूरा ट्रैक है तो 200 मीटर कहाँ होगी, आधे से स्टार्ट होगी, तो आधे से कहाँ होगी, दूसरा जो कर्व जहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से दौड़ोगी, 120 मीटर का एक कर्व हो गया और आगे 80 मीटर, ये टोटल हो गया 200 मीटर दौड़ यहां से हो रही है। अब बात आती है कि भाई, क्योंकि क्या होता है 100, 200, 400, 800 मीटर, 100, 200, 400 मीटर रेस के अंदर क्या होता है, लेन की बाउंडेशन होती है,
लेन की प्रतिबद्धता होती है कि जिस खिलाड़ी को, जिस धावक को जो लेन मिली है उसी लेन में दौड़ पूरी फिनिश करनी होती है। वो तो दूसरी लेन में अगर घुसता है, जाता है, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। उसके लिए ट्रैक जजेस बैठे रहते हैं उनको देखने के लिए कि भाई किसी ने लेन तो चेंज नहीं करी अपनी। तो क्या होता है, 100 मीटर में सेम लेन की बाउंडेशन होती है, 200 मीटर में लेन की बाउंडेशन, 400 मीटर में लेन की बाउंडेशन। अभी मैं तीन दौड़ों की बात कर रहा हूं। अब देखेंगे कि 200 मीटर का खिलाड़ी अगर आठवीं लेन का धावक है, यो करके ये दौड़ते हुए आ रहा है, ऐसी सेवेंथ लेन का जो आएगा यहाँ पर, सातवीं लेन का धावक दौड़ते हुए आएगा, वो इसमें दौड़ते हुए आएगा, तो क्या होगा, इस कर्व के अंदर वो अधिक दूरी तय करेगा, उसका परिधि जो होगी वो अधिक होगी, क्योंकि उसका रेडियस अधिक हो रहा है पहली लेन की तुलना में। अब क्या कि पहली लेन की तुलना में बाकी जो जितने हमारे धावक हैं, जितने अन्य धावक हैं पहली लेन की तुलना में, वो क्या होंगे, अधिक दौड़ेंगे, क्योंकि वो लंबा घूम के आ रहे हैं। क्या हो रहा है, लंबा घूम के आ रहे हैं, उनकी परिधि अधिक हो रही है। अब परिधि अधिक हो रही है और सबको बराबर दौड़ाना है, क्योंकि तो नाइंसाफी हो जाएगी कि पहली लेन वाला तो 400 मीटर या 200 मीटर दौड़ रहा है और बाकी अधिक दौड़ रहे हैं, वो कितना अधिक दौड़ रहे हैं ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो कर्व के अंदर कितना अधिक दौड़ रहा है। जितना अधिक दौड़ रहा है उतना ही उसको उतने आगे से दौड़ाया जाएगा। पहली लेन से तुलना करनी है हमें, पहली लेन से तुलना करनी है आठवीं लेन का जो धावक है वो कितना अधिक दौड़ रहा है, जितना अधिक दौड़ रहा है उसको उतना ही आगे लाके यहां से दौड़ाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि ये उसके बराबर दौड़े। ये तो यहां से दौड़ेगा और ये यहां से दौड़ेगा। अब बात आती है कि भाई ये जो अधिक दौड़ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस स्टैगर्ड डिस्टेंस। स्टैगर का मतलब होता है एक वृत्त की दूरी, एक कर्व की दूरी। अगर हिंदी में डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे आप तो स्टैगर का मतलब क्या होता है, एक कर्व का डिस्टेंस, कर्व का डिस्टेंस जो परिधि होती है। अब वो एक्सेस दौड़ रहा है, कितना एक्सेस दौड़ रहा है, तो वही चीज आती है, इसको कहते हैं हम स्टैगर। अब 200 मीटर के लिए हम जो कहते हैं हाफ स्टैगर। हाफ स्टैगर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर एक वृत्त बनाया मैंने, ये पूरा वृत्त बना रहा हूं मैं, इसका ये आधा दौड़ रहा है, आधा कर दौड़ा है ये, इसलिए इसको हाफ स्टैगर बोला जा रहा है, आधा वृत्त दौड़ रहा है। मैंने जैसे बताया स्टैगर को हिंदी में क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। और वही अगर 400 मीटर है तो एक ये कर भी है, ये कर भी है, दो कर हो गए, वो फुल स्टैगर। वही देखो मैंने यहां लिखा 200 मीटर में हाफ स्टैगर, 400 मीटर में फुल स्टैगर। अब बात आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि अगर मैं 400 मीटर किसी धावक को आठवीं लेन वाले को दौड़ाता हूं तो वो लंबा घूम के आ रहा है, सिर्फ दूरी कौन सी ज्यादा कवर कर रहा है, कर्व के अंदर। स्ट्रेट तो सब बराबर दौड़ रहे हैं, स्ट्रेट में तो सब बराबर दौड़ रहे हैं, उसमें अधिक दौड़ रहे हैं। अब वो हमें निकालना है कि वो कितना अधिक दौड़ रहा है। तो आपको पता है परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr का फॉर्मूला होता है। पहले हमें यह देखना है कि भाई परिधि निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस। आठवीं लेन का रेडियस क्या होगा, फर्स्ट, और हमारी फर्स्ट लेन वाला रेडियस, क्योंकि तुलना किससे करनी है, मैं पहली लेन से, पहली लेन से तुलना हमें किससे करनी है, दूसरे से लेकर तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं लेन के धावक के जो कर्व की दूरी जो अधिक तय, दूरी तय कर रहा है। मैंने यहां उदाहरण क्या लिया, आठवीं लेन का दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको कि आठवीं लेन का धावक कितना अधिक दौड़ रहा है कर्व के अंदर पहली लेन की तुलना में। वो हम कैसे निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस से। सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, अर्धव्यास चाहिए, रेडियस चाहिए। अब देखिए पहली लेन का धावक यहां यहां तक क्या आता है, 37.88 जो मार्जिन डिस्टेंस रेडियस है, उससे ये अधिक कितना दौड़ रहा है, 30 सेंटीमीटर की लिखा लिखा 0.30 मीटर लिखा हुआ है मैंने, 30 सेंटीमीटर। वो जो मैंने इससे पिछले वीडियो में बनाया था, बताया था मैंने आपको कि क्या होता है कि जो धावक होता है इस मोटर ट्रैक से 30 सेंटीमीटर हटके दौड़ता है, क्यों, अगर पैर पड़ जाएगा तो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और बॉर्डर ट्रैक है तो साइकोलॉजिकली वो इतना डिप्रेस, ऐसे भागता है कि उसका पैर उस पर ना पड़ जाए, और वही चूने की लाइन या पेंट की लाइन होगी तो 20 सेंटीमीटर दूर छोड़ के हटके दौड़ता है। तो अभी 30 सेंटीमीटर छोड़ के हटके दौड़ रहा है ये यहाँ पर। तो अब मैंने 37.88 प्लस 0.30, क्योंकि रनिंग फर्स्ट लेन का रनिंग डिस्टेंस रेडियस क्या है हमारा, 37.88 प्लस 0.30 कितना आ गया, 38.18 मीटर हो गया, 38.18 मीटर हो गया ये। ऐसे अब एट्थ लेन का निकालना है हमें, आठवीं लेन का निकालना है, तो आठवीं लेन का देखेंगे यहां से यहां तक कितना, 37.88 ये लिखा हुआ है, उसके बाद बीच में कितनी लेन होगी, 7 लेन। अब देखेंगे बीच में कितनी होगी, आठवीं के बाद कितनी लेन बची हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 × एक लेन की विड्थ कितनी होती है लेन की, 1.22। तो देखेंगे आप 7 × 1.22 किया हमने, प्लस ये इस लेन से कितना अलग हटके दौड़ता है, मैंने बताया था चूने की लाइन डाली गई है या पेंट किया गया है ट्रैक के ऊपर, तो वो खिलाड़ी क्या होता है, 20 सेंटीमीटर छोड़ के दौड़ता है, बॉर्डर वाला 30 सेंटीमीटर
और ये वाला कितना दौड़ता है 20 सेंटीमीटर, तो वो प्लस 0.20 यहां लिख दिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एट्थ लेन का रनिंग डिस्टेंस रेडियस निकालना है। वो कितना निकल के आ गया आप देखेंगे, टोटल करेंगे 37.88, इसको कैलकुलेशन किया तो 8.54 आया, और 0.20 46.62 मीटर निकल के आया। देखिए आपने कितना निकल गया है। अब आप देखेंगे रनिंग सर्कमफ्रेंस निकालना, आठवीं लेन का सर्कमफ्रेंस निकालना चाहते हैं, आठवीं लेन का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, पूरी परिधि कितनी होगी पूरे कर्व की, तो देखेंगे फॉर्मूला क्या, 2πr, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितना निकला 46.62 ये यार था, ये टोटल क्या निकल के आएगा 293.05। आठवीं लेन का धावक जो इस कर्व की दूरी है वो 293.05 दौड़ रहा है, और पहली लेन वाला कितना दौड़ रहा है 2 × 22/7 × 38.18, ये निकला कितना 240 का कर्व होता है पहली लेन का। तो आप सोचिए ये तो 293.05 दौड़ रहा है और ये कितना दौड़ रहा है 240, इसको हमने 293.04 में से 240 को लेस किया तो कितना निकल गया 53.05 मीटर। 53.05 मीटर देखेंगे आप कि इस ट्रैक के ऊपर, देखेंगे आप, देखिए इस ट्रैक के अंदर कि ये धावक जो है यहां ये फिनिशिंग लाइन से ये देखिए यहां बना रखा है इसका स्टार्ट पॉइंट, ये ना बना हुआ, ये निशान वाइट निशान बना हुआ है, यहां से 400 मीटर की स्टार्ट आठवीं लेन का धावक यहां से करेगा, सातवीं लेन का धावक का ये बना हुआ है, ऐसे इसी तरीके से निकाला जाएगा, ऐसी छठी का, पांचवी का, चौथी का, तीसरी का, दूसरी का, पहली लेन का धावक कहीं से दौड़ता है। एक चीज ध्यान रखनी है कि जितनी भी स्टार्ट लाइन होती है वो सब किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, स्टार्ट लाइन व्हाइट कलर, फिनिश लाइन व्हाइट कलर की होती है, ये ध्यान रखने के बाद दिमाग में बैठाने वाली बात है। हाँ कभी कभी क्या होता है कि कई दौड़ों की स्टार्ट पास पास होती है, तो वहां पर क्या होता है सफेद सफेद अगर हम मार्किंग कर देंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें एक पोर्शन व्हाइट जरूर रखा जाता है बीच का। सपोज मैंने बताया ये मेरे पास मैंने लाइन खींची मैंने, तो उसके बीच का ये पोर्शन इतना व्हाइट रहेगा, बगल में क्या होगा कलर्ड होगा, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई ये किस लाइन का, ये किस दौड़ का स्टार्ट है। अब आगे आके देखिए आप, अब उसी को आपने निकाला, हमने कैसे क्या उसका सर्कमफ्रेंस निकाल दिया, उसका निकाले माइनस कर दिया, निकाल के आ गया ये हमारा स्टैगर निकाल के आ गया, निकल के आ गया। कहने का मतलब हमने क्या किया 2π, देखो दोनों में 2π था, हमने क्या किया उसके सर्कमफ्रेंस में से दूसरे के सर्कमफ्रेंस को घटाया है हमने, मतलब 2π। हम अगर एक ये मैंने सर्कल जो बनाया है, ये सर्कल मैंने बनाया, इसके अंदर एक और हमने सर्कल बना दिया, मान के चलो ये पहली लेन का है, तो ये पहली लेन वाले के रेडियस को हमने क्या मान लिया R1 मान लिया, और इसके ये जो दौड़ के आ रहा है इसको हमने क्या मान लिया, इसको R2 मान लिया। तो अब दोनों का अंतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2πR2 − 2πR1, 2π को हमने ये कॉमन ले लिया, R2 − R1 कर दिया, 2π तो बाहर है, R2 − R1, R2 कितना निकला था हमारा 46.62। मैं क्या कर रहा हूं इसी चीज को दोबारा से एक बार अलग मेथड से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, तो हमने कहा 46.62 ये आ गया हमारा, माइनस उसका रेडियस कितना था 38.18 ये लिख दिया हमने, 2 × 2π की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2π, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8.44 आया, 2π की वैल्यू क्या 22/7 गुना 8.44 ये 53.05 ये भी निकल के आ गया, यहां भी देख रहे हैं आप 53.05। अब इसके लिए क्या क्या एक हमारे विशेषज्ञों ने एक सूत्र बनाया जिससे कि आप स्टैगर तुरंत कैलकुलेट कर ले। सूत्र क्या होता है, चाबी होती है, क्योंकि एक लंबा रास्ता तय ना करते सीधे आप अंदर एंटर कर जाए, तो सूत्र वो है। तो हमने देखा एक फॉर्मूला इन्होंने बनाया, क्या फॉर्मूला बना रखा है, इसी चीज को निकालने की जो ये मैंने इतनी चीज की है, Wn − 1 − 0.10 × 2π, बॉर्डर ट्रैक है इसलिए हम यहां −0.10 यूज कर रहे हैं। डब्ल्यू से मतलब क्या, विड्थ ऑफ लेन, लेन की चौड़ाई 1.22, मैंने पिछली वीडियो में बताया था लेन की चौड़ाई वैसे होती कितनी है 1.21 से लेके 1.23 मीटर, बट स्टैंडर्ड कितना है 1.22 प्लस माइनस 0.01 मीटर होता है, अगर इसको जोड़ देंगे तो भाई वन माइनस करेंगे तो 1.21 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 1.23 होगा। अब देखेंगे आप यहां पर, तो एन से क्या होगा नंबर ऑफ लेन, कौन सी लेन का आपको स्टैगर निकालना है, मैंने आठवीं लेन का उदाहरण दिया, सातवीं का, छठी का, पांचवीं का, किसी का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आता −0.10, ये −0.10 वही चीज आई, रनिंग डिस्टेंस रेडियस और मार्किंग डिस्टेंस, देखिए ये कितना दूर छोड़ के दौड़ रहा है 30 सेंटीमीटर, ये कितना दूर छोड़ के दौड़ रहा है 20 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया हमारा −0.10, ये देखिए 0.10 डिफरेंस ऑफ 0.30 एंड 0.20। उसके बाद आता 2π, क्या है 2π का मतलब पाई फॉर वन पर, एक पाई है आपके पास तो उसको कहेंगे एक कर दौड़, अगर 200 मीटर की दौड़ होती तो सूत्र के अंदर सिर्फ क्या होता है यहां पर पाई आ जाता,
200 मीटर की दौड़ दी क्योंकि एक ही कर्व है, बट मैं यहां पर सूत्र किसके लिए लगा रहा हूँ, फुल स्टैगर के लिए 400 मीटर दौड़ के लिए लगा रहा हूं मैं। अब देखिए, और अब हमने क्या, अब इफ टू कर्व देन यू हैव टू यूज टू पाई इन द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है देखिए, आप विड्थ ऑफ लेंथ कितना 1.22, आठवीं लेंथ का निकाल रहे हो 8, n माइनस 1 हमने बताया तो 8 माइनस 1 माइनस 0.10 2 पाई। अब देखिए 1.22, 8 माइनस 1 7 हो गया, ये माइनस 0.10 का 0.10 रहा इनटू 2 पाई, इन 1.22 इनटू 7 8.54, माइनस 0.10 इनटू 2 पाई, इस पे से 8.54 में से माइनस 0.10 किया तो 8.44 आ गया, 2 पाई आ गया, ये चीज निकल के आई। अब इसी चीज को मैं प्रूव करके दिखाया, मैंने प्रूव नीचे देखिए, रनिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ एर्थ लेन, रनिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट लेन 2 पाई आर टू, मैंने बताया था उसको आर टू मान लेते हैं, उसको आर वन मान लेते हैं, आर टू में से आर वन घटाएंगे तो 2 पाई आर टू माइनस 2 पाई आर वन, 2 पाई क्या हो गया कॉमन हो गया, कॉमन ले लिया आर टू माइनस आर वन। अब ये आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन मतलब 8.4 क्या है, देखिए आप क्या कर दिए, आर टू कितना है 37.88, ये निकाल रखा है हमने आर टू 37.88, 7 इनटू 1.22 प्लस 0.20 प्लस 0.20 ये आ गया। उसके बाद आर वन कितना 37.88 प्लस यहां कुछ भी नहीं है प्लस 0.30, ये देखेंगे 37.8 प्लस 0.30। अब क्या करना है, आर टू माइनस आर वन इसमें से माइनस करना है, हमने इसको ये माइनस किया, यहां कुछ भी नहीं है, इसको भी हमने माइनस का साइन किया, साइन चेंज होता माइनस में। अब देखेंगे इसमें से ये घटाएंगे तो क्या ये घटके जीरो हो गया, यहां 7 इनटू 1.22 ये कितना निकल गया, अगर 7 से गुणा किया हमने तो 7 इनटू 1.22 इक्वल टू 8.54 आ गया, 8.54 आ गया। और 0.20 में से 0.30 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस 0.10 आएगा, माइनस 0.10 आएगा, ये कितना निकल के आएगा 8.44, ये देखिए 8.44, बाहर का रखा हुआ 2 पाई रखा, बाहर का रखा 2 पाई, ये मैंने इसको प्रूव कर दिया, समझ में आ गया। आप ये स्टैगर को आप किसी को भी बड़े आसानी से समझा सकते हैं। थैंक यू, अगला आप इसके अगला वीडियो